तो देखिए लगातार एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है। किसान कानून वापस लेने का जो एक प्रक्रिया है वो शुरू भी हो चुकी है, कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया है, शीतकालीन सत्र जैसे ही शुरू होगा वो आगे की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी बीच सवाल अभी भी यही है कि आखिर किसान उठेंगे कब, आखिर कब ये आंदोलन खत्म होगा और किसानों की नाराजगी जो अभी भी कई मुद्दों को लेकर सरकार से बनी हुई है वो दूर कैसे होगी। सभी खास मेहमान है। धर्मेंद्र जी, फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने बयान कृषि मंत्री का भी सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि आप घर जाइए, हमने तो समिति बनाने का ऐलान भी कर दिया है, आपकी एमएसपी की जो बात है उस पर भी हम गौर कर रहे हैं, मंथन हो रहा है। लेकिन आप लोग भी अगर नहीं मानेंगे और वो लोग भी अगर यही कहते रहेंगे तो फिर बीच का रास्ता क्या है? नहीं, बीच का रास्ता भी निकलेगा। आपको मैं कृषि मंत्री जी का 11वें दौर की वार्ता का बयान याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा था कि पहले हम कृषि कानून का समाधान करेंगे और उसके बाद एमएसपी कानून की बात करेंगे। तो कृषि मंत्री जी को तो अपने बयान पे स्टैंड करना चाहिए। ये लास्ट जब बात हुई थी 22 जनवरी को, तब उन्होंने कहा था कि पहले हम कृषि कानून का समाधान कर लेते हैं और उसके बाद एमएसपी पे बात कर लेंगे। मैं तो आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि 2011 में वर्किंग ग्रुप, एक कंज्यूमर अफेयर का वर्किंग ग्रुप था और मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उसके चेयरमैन थे। उस वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी कि ऐसा एमएसपी आप घोषित ही क्यों करते हैं जो मिलता ही नहीं है, और कृषि का इसको एमएसपी को गारंटी किया जाए। तो मोदी जी को आज गोल्डन चांस मिला है, किसान उनकी सिफारिशों को याद दिला रहे हैं कि देश में किसी किसी को नसीब होता है, जो आप रिकमेंडेशन करते हो उनको लागू करने की पावर आपको मिल जाए। मोदी जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने हैं तो एक गोल्डन चांस है, हाथ में उनके कलम है, उठा के एक बार फिर बोल देना चाहिए टीवी पर आके कि कल से एमएसपी कानून गारंटी होगा, तो मेरे हिसाब से आज ही सब हो जाएगा। तो फिर आप नहीं कहेंगे कि आप टीवी पर आकर बोल देते हैं किसानों से आप बात नहीं करते? वो दो बड़ी इस बात हो पर भी तो ऐतराज है ना सर आपको? नहीं, कोई ऐतराज नहीं, जब वो बोल देंगे तो नीचे के लोग बात कर लेंगे। चलिए ठीक है। मनोज काका, ऐसा नहीं लग रहा इस मामले में किसान किसान हर तरफ से गूंज उठ रही है, लेकिन दरअसल किसानों के जरिए अपनी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है और होड़ है, सबसे पहले आगे कौन निकलेगा इसमें? देखिए सिरिन, किसानों ने कभी सियासत नहीं करी है, किसानों ने सियासत नहीं मैं सियासी दलों की बात कर रही हूं। लोकतंत्र बचा रहे देश की सरहदें, मैं आपके बात का ही जवाब दे रहा हूं। बल्कि किसानों ने सियासत करने के बजाय और सियासत में शरीक होने के बजाय ये प्रयास हमेशा किया है कि इस देश की सरहदें कैसे सुरक्षित रहें। इस देश के लिए किसान ने देश के अंदर अपनी शहादत दी है और देश के सरहदों पर किसान के परिवारों से निकले हुए लोगों ने ही अपने सीने पे गोलियां खाई है। जब लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई गई थी, उसमें नक्षत्र सिंह, मैं खत्म कर, आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैं सवाल एक बार फिर से समझा दूं। मैं किसानों का जिक्र नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं किसानों के जरिए सभी विपक्षी दलों ने कोशिश की है कि अपनी अपनी सियासत को चमकाएं। हम तो यही देख रहे हैं, बयानबाजी आप देख लीजिए या फिर आप लोग जो रैली करते हैं उसमें किस तरीके से किसानों की चिंता आप लोगों को होती है। देखिए खास करके अगर मैं अपने दल की बात कर सकता हूं, हमारा दल ने हमेशा किसान सम्मत रहा है। और मैंने आपके कहा अभी, मैंने आपके संवाद में कि पहले ऐसे देश में नेता हैं अखिलेश यादव जिन्होंने कहा कि एक साल से चल रही इस आंदोलन में शहादत दे चुके किसानों को 25-25 लाख रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार देगी। हम किसान के हर समस्या के साथ हैं। जब ये संसद का जब यह सत्र चलने जा रहा है 29 से 23 दिसंबर तक, इसमें 26 बिल आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से लेकर के, और 26 बिल आ रहे हैं। ये मैं अपनी रिपोर्ट नहीं, ये सरकार की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। अगर 26 बिल तमाम तरह के उद्योगपतियों का, इसमें इंसॉल्वेंसी का भी एक आ रहा है, तमाम उद्योगपतियों को अपने चहेतों लोगों को लाभ देने के लिए अगर लाया जा सकता है, तो एक बिल किसानों के पालनहार देश के अन्नदाता के हक के लिए एमएसपी पर क्यों नहीं लाया जा सकता, ये बड़ा सवाल। सरकार तो कह रही है ना मनोज जी, कह रही है ना कि हमने कमेटी बनाई है, आप लोगों की ही पहले, देखिए किसानों की मांग तो रही है, लेकिन आप लोग भी सबसे पहले यही कहते थे कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे उससे कमतर कुछ नहीं कहा जाएगा। तो अब तो वो भी चीजें हो रही है, शीत सत्र शुरू होगा वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए शिवम त्यागी, मतलब किसानों से बात करने में दिक्कत क्या है सरकार को? 11वें दौर की बातचीत हो गई तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब अगले दौर की बात नहीं होगी? मुझे लगता है कि हम और जो भी इस मीडिया से या फिर राजनीति या फिर पत्रकारिता से जुड़े होते हैं, उनका आमतौर पे जो है सोचने का नजरिया और याद रखने की क्षमता थोड़ी बेहतर होती है। आपको याद होगा अच्छी तरीके से, मैं पूरी तरीके से आशापूर्ण हूं कि जब 11 दौर की बातचीत हो गई थी तो राकेश टिकैत जी बाहर आकर क्या कहते थे,
ये कृषि मंत्री आ जाते हैं, इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ये कुछ बोलते ही नहीं, हमें बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, वापस भेज देते हैं। इनसे बात नहीं करेंगे हम, इनको नहीं पता कुछ भी, इनके पास नहीं है कोई पावर। अरे हमने 11 बार बुलाया आपको, 11 बार रिक्वेस्ट की, आगे भी चलूंगा। पुरानी बातों को चलिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अब चीजें बहुत बदल गई हैं। वो कानून वापस लेने का ऐलान सरकार कर चुकी है, अब आगे की बात। मोदी जी ने कैबिनेट बैठक से पहले घोषणा की है, अगर आपके लोगों को सर में तो इस्तीफा दे देना चाहिए कैबिनेट से। कैबिनेट से पहले बड़ा नहीं होता कोई। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, रात के 12 बजे भी कैबिनेट हुई है इस देश में, अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो। ऐसे कोई, मैं किसी को नहीं सुन पा रही हूँ, माफ कीजिएगा मनोज जी, प्लीज शांत रहिएगा। शिवम अपनी बात पूरी कीजिए। पहला तो ये मैंने याद दिलाया, खैर दूसरी ये भी है, आप 25-25 लाख रुपए देंगे। आप मुजफ्फरनगर में दंगे के पीड़ित जब मर रहे थे ना, तो सैफई में बग्गी पर बैठ कर मुलायम सिंह यादव जी नाच गाना देख रहे थे। 25 लाख दो, कम से कम गाड़ी चढ़ाने वाले लोगों से माफी मांगे, देनी कौन है? देनी कौन है? आप दोनों ही घुमा रहे हैं। शिवम आप भी घुमा रहे हैं, क्योंकि मैं बात कर रही थी आगे क्या, आप पता नहीं सैफई और कहां पहुंच गए। जब गांधी की जयंती और शास्त्री की जयंती और मनोज काका और शिवम त्यागी, आप दोनों इस तरह से बोलेंगे मैं सुन नहीं पाऊंगी आप दोनों, मैं आप दोनों को ही नहीं सुन पाऊंगी। अंग्रेजों के सीना, मैं आप दोनों को नहीं सुन पाऊंगी। ठीक है, धर्मेंद्र मलिक के पास जाना होगा मुझे, माफ कीजिए। ABP News आपको रखे आगे।